गुवाहाटी में पहाड़ों के बीच फंसे एक बाघ का रेस्क्यू किया गया, उसकी जान बचा ली गई। रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आई। उमानंद द्वीप पर पहाड़ों के बीच रॉयल बंगाल टाइगर फंस गया था, जिसका रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम जुटी रही। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद बाघ को पहाड़ों के बीच से बाहर निकाला गया। इस बीच बाघ ने कई बार टीम पर हमला करने की भी कोशिश की, जिसके लिए बाघ को रेस्क्यू के समय कई बार बेहोश करने की जरूरत पड़ी। पहाड़ों के बीच फंसे बाघ को सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी में लाया गया, जहां से बाघ को नाव के जरिए रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वन विभाग के मुताबिक बाघ बिल्कुल स्वस्थ है और अब अगले 3 दिनों तक वो राजकीय चिड़ियाघर में 3 डॉक्टर्स की निगरानी में रहेगा। बताया गया कि पहाड़ों के बीच बाघ के फंसे होने की जानकारी द्वीप पर घूमने आने वाले लोगों ने विभाग को दी थी, जिसके बाद उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया गया था। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच चीनी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। आज चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री चीनी सामानों की होली जलाएगा। करीब सुबह 11 बजे करोलबाग में चीनी सामानों की होली जलाई जाएगी। साथ ही 50 बड़े बाजारों के व्यापारी नेता चीनी उत्पादों के बहिष्कार की शपथ भी लेंगे। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन सेना के बीच हुई झड़प के बाद CTI वहां के उत्पादों का विरोध कर रही है। तो आज चीनी सामानों की होली जलाई जाएगी सुबह 11 बजे। ये चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाएगा। CTI ने चीन के सामान का बहिष्कार किया है जो तवांग में हुआ, उसके बाद चीन के सामानों को बॉयकॉट करने का फैसला लिया गया है। दुनिया भर में अपनी बेइज्जती कराने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान को उस कीमत पर कच्चा तेल देने से साफ इनकार कर दिया जिस पर वो भारत को बेच रहा है। जबकि 2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान ने रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने ही रूस से सस्ता तेल आयात करने की बात से इनकार कर दिया। हालांकि पाकिस्तान को ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में लेना पड़ा, क्योंकि रूस ने पाकिस्तान को उस कीमत पर तेल बेचने से मना कर दिया जिस पर वो भारत को दे रहा है। असल में 29 नवंबर को बिलावल भुट्टो तेल का सौदा करने रूस गए थे। उनके दौरे के बाद 5 सितंबर को इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मंत्री मुजद्दिक मलिक ने यह ऐलान किया था कि रूस पाकिस्तान को कम कीमत पर कच्चा तेल देगा, लेकिन रूस ने भारत की तरह डिस्काउंट पर कच्चा तेल देने की बात से इनकार कर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। उधर फिलिस्तीन के कैदी की मौत पर इसराइल के वेस्ट बैंक में बवाल शुरू हो गया। कैदी की मौत के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। धीरे धीरे प्रदर्शन उग्र होने लगा, जिसके बाद इसराइल की सेना ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंच गई। लोगों को रोकने के लिए उसने हवाई फायरिंग भी की। फिलिस्तीन के कैदी की मौत पर भड़के लोगों ने इसराइल के वेस्ट बैंक में दुकानें भी बंद रखी और सड़क पर मार्च निकाले, लेकिन जैसे ही सेना पहुंची प्रदर्शनकारी तितर बितर होने लगे। फिलिस्तीन के जिस कैदी की मौत पर वेस्ट बैंक में बवाल हुआ उसकी उम्र 50 साल थी और 2002 में उसे सजा मिली थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से फिलिस्तीन की सरकार उसकी सेहत का हवाला देकर उसकी रिहाई की मांग कर रही थी, और जैसे ही उसकी मौत की खबर आई इसराइल का वेस्ट बैंक उबल उठा।